हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द आर्किटेक्ट्स कंप्यूटर। आज की बदलती हुई दुनिया में टेक्नोलॉजी ने अपना एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया है। हमारे चारों तरफ टेक्नोलॉजी की दुनिया फैली हुई है। अब जब बात टेक्नोलॉजी की ही हो रही है तो उसमें कंप्यूटर्स कैसे पीछे रह सकते हैं। हम लोग सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक टेक्नोलॉजी से घिरे रहते हैं और इनका प्रतिदिन उपयोग भी करते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल हो या टैबलेट। इसी के साथ स्कूल, कॉलेज, बस, रेलवे आज भी कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। इसलिए हम आपको कंप्यूटर से जुड़ी जानकारी देना चाहते हैं, तो आइए शुरू करें। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का इतिहास और विकास, कंप्यूटर की पीढ़ियां, कंप्यूटर के प्रकार और कंप्यूटर के भाग। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए डाटा में प्रक्रिया करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदर्शित करता है। अर्थात कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। इसमें डाटा को स्टोर और पुनर्प्राप्त करने की क्षमता होती है। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, यह कहावत कंप्यूटर के आविष्कार पर सटीक बैठती है। ऐसे में आप जानने के लिए उत्सुक होंगे कि कंप्यूटर का इतिहास और विकास कैसे हुआ। कंप्यूटर की खोज और उसके सुधार का इतिहास 2500 वर्ष से भी पुराना है, लेकिन आज कंप्यूटर के आविष्कार ने पूरे विश्व को बदल कर ही रख दिया है। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कंप्यूटर मानव जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार है। सर्वप्रथम अबैकस डिवाइस का आविष्कार गणना करने के लिए 600 ईसा पूर्व चीन में किया गया था। अबैकस डिवाइस की मदद से हम बिना कॉपी पेन कैलकुलेटर की मदद से गणितीय क्रियाएं कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं जॉन नेपियर बोन, पास्कलाइन रेकनिंग, जैन कॉर्ड का लूम, डिफरेंस इंजन और एरोनॉटिकल इंजन। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी सन 1946 से 1956 तक के कंप्यूटर्स को दिया गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी सन 1956 से 1964 तक के कंप्यूटर्स को दिया गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी सन 1964 से 1971 तक के कंप्यूटर्स को दिया गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी चिप का प्रयोग किया गया था। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी सन 1971 से 1985 तक के कंप्यूटर्स को दिया गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में माइक्रोप्रोसेसर का यूज किया गया है। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी सन 1985 से अब तक के कंप्यूटर्स को दिया गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया है। कंप्यूटर्स को तीन भागों में बांटा गया है, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू साइज और अकॉर्डिंग टू पर्पज। अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अकॉर्डिंग टू साइज के आधार पर कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अकॉर्डिंग टू पर्पज के आधार पर कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, जनरल पर्पज कंप्यूटर और स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, माइक, सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सभी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं। इनके बारे में ज़्यादा जानने के लिए हमने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें।